एक बादशाह था, वो फूलों की सेज पे सोया करता था। खादिमा उसके लिए फूलों की सेज बछाया करती थी। मुद्दत गुजर गई, फूलों की सेज पे सोने का आदी था। एक दिन खादिमा ने सोचा, लौंडी ने सोचा, रोजाना बादशाह इस सेज पे सोता है, पता नहीं क्या लुत्फ होगा। उस सेज का लुत्फ उठाने के लिए वो भी लेट गई। सेज तैयार करने के बाद एक लम्हे के लिए कमर सीधी की तो सारे दिन की थकी हुई थी आंख लग गई। बादशाह वक्त पर अपने उस खास कमरे में दाखिल हुआ तो एक लौंडी को फूलों की सेज पे सोया हुआ देखा तो गैरत से जल भुन के कबाब हो गया। एक लौंडी की ये औकात कि बादशाह की सेज पे सोए। उसने जल्लाद को बुलाया, कहा इसको उल्टा लटकाओ और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए, ताकि बाकी खुद्दाम को पता चल जाए कि बादशाहों की सेजें, उनके बिस्तर, उनके घर कितने मुकद्दस हुआ करते हैं। लौंडी को उल्टा लटका दिया गया और जल्लाद जरब पे जरब लगा रहा है, कोड़े पे कोड़ा मार रहा है। वो चीखती है, रोती है, बचा लो मुझे, मेरी जान निकल रही है। रोते रोते क्या ख्याल आया कि उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने जल्लाद को कहा, रुक जा, इस लौंडी से पूछ रोई क्यों है, इसे ये भी पूछ हंसती क्यों है। जल्लाद ने कहा, लौंडी बता, रोती क्यों है। उसने कहा, तुझे नहीं पता जब कोड़ा लगता है तो जान निकलने को आती, नजा का आलमतारी हो जाता है। कहा, यह तो समझ है, लेकिन हंसती क्यों है। कहा, हंसी मुझे इस बात से आई है कि चंद लम्हों के लिए सोई हूं, इतनी तकलीफ काट रही हूं, सोचा उम्र भर हो गई सोते हुए, जिसको उसका क्या बनेगा, जिसकी जिंदगी बीत गई इस सेज पे सोते हुए, उसका क्या बनेगा। साहिबो, ये दुनिया फूलों की सेज ना बनाए, इस दुनिया को अल्लाह की इबादत के लिए गुजारें, जिक्र फिक्र में गुजारें, सहरी के वक्त उठ के मुसल्ले पे खड़ा होकर रोना सीखें, अल्लाह के हुजूर आए, रिजक की तलाश में राजक को भूल ना जाएं। तुम समझते हो दुकान बंद करके चले गए तो शायद मेरी आज की सेल कम होगी। सेल देने वाला, रिज्क देने वाला, रिज्क के दरवाजे खोलने वाला वो रब है। जाओ उसके हुजूर जाओ और जाके उससे मांगो। आज इस दुनिया के अंदर आप कहीं मुलाजमत करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देना होती है, उन 8 घंटों के अंदर आपका मालिक आपको बुलाए, सिर्फ 8 घंटों में एक आर्जी मिल्क आपके ऊपर रखता है, तो आप दौड़ के जाते हैं कि नहीं जाते। आपके मेहमान भी आपके पास बैठे हो और आप चाय भी उनको पिला रहे हो, लेकिन बास बुला ले आपको और वो घंटी दे तो आप बेल पे सबको छोड़ के भागते हैं कि नहीं भागते। मेहमानों से भी माजरत करते हैं, मुझे बास ने बुलाया, आप दौड़ते जा रहे हैं। यार, एक दुनिया का बास बुलाए तो मेहमानों को छोड़ के, चाय को छोड़ के, मुरगन गजाओं को छोड़ के, सबको छोड़ के भाग जाते हैं और रब का नुमाइंदा पुकारे, हैया अल सला और हैया अल फला। जो बंदा उसके हुजूर न जाए कितना बड़ा बदनसीब है, कितनी बदनसीबियां उसका मुकद्दर है कि जो उसके हुजूर। लेकिन ये अल्लाह ताला जल्ला शानू की रहमत की अमूमियत है। अगर आज 8 घंटे के लिए आप कहीं ड्यूटी करते हैं, वो आपको आवाज दे और आप ना जाए तो वो आपकी नौकरी खत्म कर देगा, आपको सख्त सजनश उसी वक्त करेगा या फिर आपको फारिग कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते रहे, कभी उसने रिज़क के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि जो नहीं मानते उनको और ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उनका हिस्सा सिर्फ दुनिया पे ही है ना, आखिरत में तो हिस्सा ही कोई नहीं है। बल्कि फरमाया, अगर मुसलमानों की दिल जोई का लिहाज ना हो तो मैं काफिरों के घरों की सीढ़ियां भी सोने और चांदी की बना दूं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को देखा है, आखिरत अभी देखी नहीं है, वरना जो इनके लिए आखिरत में रखा गया है, दुनिया की कोई शय इनके नजदीक हैसियत ही ना रखे। बल्कि हदीस में आता है, साहिब मिश्कात ने इसको लिखा कि दुनिया के ऊपर जिसको सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंची होंगी वो जन्नत में ले जाया जाएगा और एक मरतबा जन्नत में जो है वो दाखिल करके निकाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बता दुनिया के ऊपर तुझे बड़ी तकलीफें पहुंची। वो कहेगा, या अल्लाह, मुझे तो कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं है। जन्नत की सिर्फ आबो हवा सारे दुख खत्म कर देगी। और जिसने तख्त और ताज पे बैठ के भी जिंदगी सारी गुजारी हो, हदीस में आता है उसको जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी और फिर उसको कहा जाएगा, बता तू दुनिया के ऊपर कोई राहत पाई है। वो कहेगा, मालिक, दुनिया के ऊपर मैंने कोई सुख देखा ही नहीं है। एक होता जहन्नम के अंदर दिया जाएगा, दुनिया के सारे सुख ही भूल जाएगा कि मैं वहां बादशाह हुआ करता था, मैं वहां हुक्मरान हुआ करता था, पूरी दुनिया को मैंने जो है वो रेवड़ की तरह हांका था और इंसानियत का कत्ल किया था, मेरी रौनक और मेरा तकब्बर दुनिया को जगा देता था। उसको कोई शय और अपनी कोई आकड़ और कोई बात याद नहीं रहेगी, सिर्फ एक डुबकी की बात है। और जिसने दुख पे दुख काटे, गुर्बत, तन्हाई, दुख, अजियत, मसाइब, आलाम, मुश्किलात,
लेकिन एक बार जन्नत से गुजार करके जन्नत की सिर्फ आबो हवा ही सुंघाई जाएगी, उसको कहा जाएगा बता दुनिया के ऊपर तुझे कोई दुख पहुंचा, वो कहेगा मेरे रब दुनिया पे मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा। अब बताइए कि अल्लाह के हुजूर हम हाजिर हों या कि दुनिया कोई मंशा और मकसूद बना लें, हमारी जिंदगी की डगर क्या होनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि जन्नत के मुकाबले में इस दुनिया की हैसियत ही कोई नहीं, और दूसरी बात अगर दुनिया के ऊपर हम इज्जतें सरखुरुइयां जिसको हम समझते हैं ये सरखुरुइयां वो पा भी लें तो वो कितना कुर्सा है, फिर उसका हिसाब भी तो हमने देना ही देना है। इसलिए हम देख लें जितना बर्दाश्त करते हैं उसके मुताबिक जो है वो हम चलें।